मोमो फिश की चरचरी, ये मेरी सास की रेसिपी है, आप जरूर ट्राई करिए, ये बहुत अच्छी बनती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं फिश फ्राई। जी हाँ, पहली बार फिश की रेसिपी हम आपको दिखा रहे हैं। ये है रोहू फिश, ये देखिए तकरीबन 17 पीसेस है। इसे हम एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से पकाएंगे। इस रेसिपी को कहते हैं फिश चरचरी, रोहू फिश की चरचरी बनाएंगे। शुरबेदार नहीं है, बहुत ही डिफरेंट है, आप जरूर ट्राई कीजिए। एक्सट्रीमली डिलीशियस एंड टेस्टी है, जिसे हम आपको बता सकते हैं कि जिन्हें फिश नहीं भी पसंद है वो भी इस रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करें। सबसे पहले हमने फिश के स्केल्स को, ये देख रहे हैं आप, छुड़ा लिया है और इसे अच्छे से नमक और हल्दी से धो लिया है अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने सारे मसाले, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 हीप टीस्पून हल्दी, 1 हीप टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून सॉल्ट, 1 चम्मच गोल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर 2 चम्मच, थोड़ा सा पेपरिका पाउडर अगर है, नहीं है तो कोई मसला नहीं, ये कलर के लिए दिया जाता है। और लास्ट हम इसमें देंगे ये हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट, अगर नहीं है तो सिर्फ लहसुन को पीस के भी दे सकते हैं। देखिए 1, और यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, ये तकरीबन 2 kg फिश होगा। तो इस तरह से हमने लिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए हमारा मैरिनेशन हो गया अच्छे से, अब हम इसे तलने चढ़ाएंगे। यहाँ सरसों तेल हमने गर्म किया है और हम इसे एक बार एक करके फिशेस सारी अपनी डालेंगे। सरसों तेल को अच्छे से गर्म करना है पहले, उसके बाद ही इसमें डालना है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, इसे भी फिश फ्राई बहुत अच्छा बनता है। और अगर आप चाहें तो आप इसे थोड़ा जितना मसाला हम बताएंगे मिक्स वैसे करके भी खा सकते हैं। जो ऑयल फिश फ्राई की थी उसी में हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे। ये देखिए सरसों तेल है गर्म हुआ हुआ बिल्कुल, इसमें हम सीधा टोमेटो डालेंगे, 4 से 5 बड़ी बड़ी टोमेटो हमने स्लाइस कर दिए हैं लंबे लंबे। इसमें हमने सॉल्ट ऐड किया और कुछ नहीं, मसाले बहुत ही रहे थे। एक बड़ा प्याज हमने गोल्डन कर के डाल दिया था, सरसों के लिए इसको हम लास्ट में ऐड करें। आगे हम हरी मिर्च ऐड करेंगे, 4 से 5 हरी मिर्च, और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। ज़्यादा नहीं तलना है इसको, तो 4 से 5 मिनट जैसे टमाटर थोड़ा सा भी गल गया है हम इसे मसाले को पानी का धनिया पत्ती ऐड करेंगे। और प्याज बनिस्पत जो हमारा किया हुआ था इसको ऐड करेंगे।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी हो तो लाइक बटन दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन